बैंक आईक्यू में आपका स्वागत है आज की इस के इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए पूछे जाते हैं और उसके उपरांत हम एक इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पर आपको याद रखना है कि आने वाली पांच इंपॉर्टेंट वीडियोस में हम प्रैक्टिस करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ताकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कंपोनेंट हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाए हमारे एग्जाम के लिए स्टार्ट करते हुए किस प्रकार के अधिकतर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड यहां पर सबसे पहले आता है मेन थीम आइडिया या पॉइंट क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन होते हैं ये देखना चाहते हैं कि क्या आपने पूरा का पूरा जो पैसेज है उसे अच्छी तरह से पढ़ के उसका क्रक्स उसका सार निकालने में आप सफल हुए हैं कि नहीं इट इज टेस्टिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटायर पैसेज क्या आप पूरे पैसेज को समझ पाए हैं क्या आप पूरे मीनिंग को ठीक तरह से समझ पाए हैं कि नहीं ये ब्रॉड क्वेश्चन होते हैं जो प्राइमरी इशूज पैसेज रेज करता है उनके ऊपर बेस्ड होते हैं so, सबसे पहली कैटेगरी है आपकी मेन थीम आइडिया या पॉइंट क्वेश्चन की ये बहुत स्कोरिंग होता है यहां पर अगर आप पूरे पैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली आप पता लगा पाते हैं कि किस बारे में उस पैसेज में चर्चा हो रही है सेकेंड इंपॉर्टेंट टाइप के जो क्वेश्चन देखे जाते हैं वो हैं ऑथर का एटीट्यूड या टोन के टोन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको याद रखना है कि ऑथर क्या प्रकट कर रहे हैं किस प्रकार के विचार प्रकट कर रहे हैं क्या इंटेंसिटी है उन विचारों की हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं या किसी की तारीफ कर रहे हैं तो कितने स्तर पे तारीफ़ कर रहे हैं क्या वो अत्यधिक बहुत ही रेवरेंस के साथ बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ तारीफ़ें कर रहे हैं या सिर्फ नॉर्मली उस चीज़ को बता रहे हैं सिमिलरली क्या वो क्रिटिकल हो रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं तो यहाँ पर आपको ऑथर के एटीट्यूड उनके विचार किस प्रकार के हैं क्या प्रोपोजिशन है उनके क्या पोजिशन है उनकी और किस प्रकार की टोन है ये आपको फोकस करना होता है यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ऑथर किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है या अटैक कर रहे हैं आपको पता लग जाना चाहिए पे अटेंशन करना है अपने लैंग्वेज जो ऑथर इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज में आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार की लैंग्वेज ऑथर या राइटर यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे कि हो सकता है कि एंगर हो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो आक्रोश हो या डिसअप्रूवल हो या वो मना कर रहे हो ये गलत चीज है अब ये दोनों एंगर और डिसअप्रूवल हो सकता है क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर ऑप्शन वन एंगर ऑप्शन टू कुछ और ऑप्शन थ्री डिसअप्रूवल तो आप एंगर या डिसअप्रूवल में से क्या चुनेंगे क्योंकि दोनों के ही नेगेटिव कॉन्टेशन होते हैं गुस्सा भी आपको गलत चीज़ पे आता है आप डिसअप्रूव भी किसी गलत चीज़ को करते हैं तो इस तरह से दोनों ही वर्ड्स नेगेटिव सेंटिमेंट्स को डेफिनेटली डिस्प्ले करते हैं लेकिन यहाँ पर आपको डिटर्मिन करना है कि किस प्रकार की इंटेंसिटी है इंटेंसिटी किस प्रकार का है वो आपने डिटर्मिन करना है ऑथर के नेगेटिव परस्पेक्टिव का क्या वो एन रेजड है बहुत ज़्यादा फ्यूरियस है बहुत ज़्यादा गुस्से में है या वो माइल्डली डिस्टर्ब है डिस्टर्ब है थोड़ा दुखी है और थोड़ा मे भी होपफुल भी है आशावादी भी है या स्ट्रॉगली डिसअप्रूव कर रहे हैं बिल्कुल ही मना कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ऑथर की टोन ऑथर का क्या एटीट्यूड है ये पता लगाना चाहिए जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और आने वाली वीडियो में हम पर्टिकुलरली इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पर ऑथर का टोन और एटीट्यूड पता लगाना है उसे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे थर्ड क्वेश्चन जो होते हैं जिस तरह से मेन आइडिया क्वेश्चंस बहुत स्कोरिंग है उसी तरह से ये थर्ड कैटेगरी भी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है और ये कैटेगरी है आपकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन की अब ये होते क्या हैं देखिए आपको पैसेज में जाकर वही हिस्सा उठाना है जहाँ से प्रश्न पूछा गया है और वहीं से ही आपने कॉन्क्रीट फैक्ट्स उठा देने हैं और ऑप्शन चॉइसेस में देखना है सो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन

फोर्थ जो कैटेगरी है वो है इम्प्लाइड इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन देखिए जिस तरह से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन होते हैं कि आपको पैसेज में वो पार्ट ढूंढना है जहाँ पर क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है ठीक उसी तरह से जिस तरह से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे आर आस्किंग कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन लेकिन वो आप आप जाते उसी पर्टिकुलर सेक्शन में हो लेकिन एम्प्लाइड इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन में वहाँ पर वो आपको डेफिनेटली उसी पार्ट को पिकअप करके लेकिन आपको 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 वो 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 नहीं होती है, वो less obvious होती है, 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 है जो कि आपको reading between the lines, that means कि क्या implied है, क्या तात्पर्य है उस चीज़ का कहने का, कहने फिगर आउट करना पड़ता है देखिए यहाँ पर आपको एक टर्म जो याद रखना है वो है allegory. Allegory का क्या अर्थ होता है कई सारे राइटर्स जो हैं वो मे बी बोल तो मतलब सरफेस लेवल पे कुछ और कह रहे होते हैं लेकिन जब आप डेक डीपर करते हो या आप इम्प्लाइड मीनिंग को देखने की कोशिश करते हैं तब आपको पता चलता है कि ऑथर असल में क्या बोलना चाह रहे हैं तो इस तरह की एलेगोरिकल जो राइटिंग हो जाती है उसके अंदर अधिकतर आपके इम्प्लाइड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आते हैं आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस जैसे कि इनफर्ड वर्ड पूछ लेंगे व्हाट आज द सेंटेंस इम्प्लाई व्हाट इज़ सजेस्टेड व्हाट इज़ इंडिकेटेड इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो जस्ट लाइक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस ये कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं पूछ रहे हैं आपसे लेकिन वो जो कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको रीड बिटवीन द लाइन्स करके आपको बताना है कि क्या मतलब निकल रहा है उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का ये प्रैक्टिस कर से बहुत ही अच्छी तरह से आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे दैट इज बी लीडिंग टू यू सक्सेसफुली आंसरिंग इंप्लाइड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन पांचवी तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं देखिए अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि एक तो मेन थीम हो गई मेन थीम यानी कि जो ऑथर का सेंट्रल आइडिया है क्या है सेंट्रल आइडिया उस तरह के तो क्वेश्चन हम लोगों ने पहले कैटेगरी में डिस्कस किए थे लेकिन आप देखेंगे कि कई अन्य थीम्स होती हैं जो ऑथर उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में डिस्कस करता है तो उन थीम्स को समझना और उन थीम्स को जस्टिफाई करने के लिए जो एग्ज़ैम्पल्स आपको ऑथर देता है क्या क्या मतलब अपना पक्ष रख रहे हैं या विपक्ष में बोल रहे हैं तो क्या क्या तर्क वो आपको दे रहे हैं तो उन तर्कों को हम आर्ग्यूमेंट्स कहेंगे कि किस प्रकार से वो थीम, थीम को एक्सप्लेन या फिर उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पांचवी तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो मेन थीम से हट जो आपकी सब थीम्स होती हैं और उनको स्पष्ट करने के लिए जो तर्क वितर्क का प्रयोग किया जाता है तो उन थीम्स और आर्ग्यूमेंट्स पे आपके पाँचवीं तरह के क्वेश्चंस होते हैं दे आर टेस्टिंग योर अबिलिटी टू लुक एट पर्टिकुलर लाइंस एंड आइडेंटिफाई दी अजम्पन्स कि क्या रीज़न है क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं क्या उसका बेसिक बेसिक आइडिया है जिसकी वजह से ऑथर ने वो बात बोली है तो ये भी ऑफकोर्स ऐसे क्वेश्चन हैं जो थोड़े ट्रिकी होते हैं बट ट्रस्ट उसमें अगर आपको एक बार प्रैक्टिस के थ्रू ट्रिक पता चल जाए तो ये भी आपको काफ़ी ईजी लगने लग जाएंगे मूविंग ऑन हमारी जो लास्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस की अब यहाँ पर जैसा हम बार बार कह रहे हैं आपके मेन थीम क्वेश्चंस हो गए आपके स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए और आपके वकीब्युलरी या वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस हो गए ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है और आपके स्कोर्स को ऊपर भी लेके जाएंगे तो डेफिनेटली आपने इन्हें तो अटैम्प्ट करना ही करना है अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अफकोर्स जब आने वाली वीडियोज़ में हम कुछ स्ट्रेटजीज देखेंगे हाउ टू सॉल्व आरसी तो एक जो हम लोग बार बार रेकमेंड करते हैं कि आप वकैब के क्वेश्चन अगर टाइम कंस्ट्रेंट हो रहा है बहुत ज्यादा पैसेजेस हैं आपके पेपर में तो वकैबुलरी के क्वेश्चन आपको पैसेज देखते ही सबसे पहले के को कर देना चाहिए बिकॉज ये काफी हद तक बहुत स्कोरिंग होते हैं और आपको बस कॉन्टेक्ट देखना है जाना है उस वर्ड को उस पर्टिकुलर पैसेज में किस तरह से किस संदर्भ में उस शब्द का प्रयोग हुआ है वो खोज के आपने आंसर सही मार्क कर है तो जितनी ज्यादा आपकी वोकेबुलरी अच्छी होगी आप वर्ड्स एंड कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन को ठीक तरह से एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाएंगे तो ये तो हो गए कुछ प्रकार के क्वेश्चंस अब स्टार्ट करते हैं आपको इस पैसेज को सॉल्व करने के लिए आप पॉज करके इससे सॉल्व कर सकते हैं आठ मिनट से ज़्यादा आज नहीं लगना चाहिए ये एक इन्फ्रेंस बेस्ड पैसेज है तो आप अपने आप को टाइम कर लीजिए अगर आप साथ में पढ़ रहे हैं देन ऑफ़ कॉस्ट ठीक है लेकिन अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने आप को टाइम कर दीजिए पाँच से आठ मिनट आपको लगाने चाहिए इस सिंपल पैसेज को सॉल्व करने के लिए ये एक बेस्ड पैसेज है दैट इस पैसेज में ज्यादा कॉन्क्रीट या फैक्चुअल डिटेल्स नहीं दी हुई हैं ये थोड़ा फिजिक्स से मेटाफिजिकल रेल से रिलेटेड है फिलोसफी से रिलेटेड है तो आइए इसे साथ में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इट इज गुड टू अंडरस्टैंड वन मोर पॉइंट हियर पिटी स्ट्रेंदन्स द ईगो वर्स कम्पैशन डिज़ोल्वस इट तो यहाँ पर अच्छी चीज़ है समझने की कि पिटी जो है पिटी स्ट्रेंदन करती है ईगो को और कम्पैशन जो है वो ईगो को डिज़ोल्व कर देता है जब आप किसी के ऊपर कहते हैं अरे बेचारा बिल्कुल किस्मत का मारा है तो वो तब आप पिटी दिखा रहे हैं उनके तरफ और ईगो को पिटी जो है वो बूस्ट करता है कि अरे ये तो कितना बेचारा है जब आप मतलब किसी और के ऊपर अफसोस कर रहे होते हैं तो वो जो आप पिटी दिखाते हैं उन्हें वो आपकी ईगो को बूस्ट करती है जबकि अगर आप उनके साथ सहानुभूति दिखाते हैं कंपैशन दिखाते हैं है, तो आपका ईगो डिजोल्व हो जाता है कम्पैशन अराइज़ज़ ओनली इन दोज हु हैव बिकम ईगोलेस जिनका खुद अहम नहीं है ईगो नहीं है तो उन्हीं के अंदर सहानुभूति कंपैशन आता है एक तरह के दूसरे इंसान से जुड़ने की क्षमता आती है कंपैशन का अर्थ होता है कि जैसा कोई और व्यक्ति फील कर रहा है आप एम्पथी फील करते हैं और याद रखिएगा यहाँ पर आपको ये समझना कि एम्पथी और सिंपथी के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है सिंपथी है जब आप ऑलमोस्ट एक तरह की पिटी दिखा रहे हैं किसी और के ऊपर वेर एज योर सिंपथैटिक टू सम

इट मी इट इज अ मीन्स ऑफ नरिशिंग द ईगो सो यहाँ पर पिटी जो है पिटी सॉरी दिस इज एक्चुअली pity pity is a means of nourishing ego pity jo hai, that is a means of nourishing ego it is it is a good means used by good people but all the same it is used to nourish the ego pity mein jo hai, wo log hi hai lekin it is actually nourishing the ego if you search deep inside yourself in those moments when you're giving something to somebody when pity arises in you upon seeing a beggar when you get pleasure from being a giver, तो जब भी यहाँ पर अगर आप अंदर खोज के देखेंगे मन में तो आपको पता चलेगा उन मोमेंट्स पे जो आपके अंदर पिटी आती है देखिए जब आप बैगर को कुछ दे देते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाह मैंने कुछ दिया है मैंने मदद की है तो आपको प्लेजर मिल रहा है आपको एक तरह का प्लेजर मिल रहा है एक तरह की खुशी मिल रही है देने से और ये जो है फ्रॉम बींग इन द पोजिशन ऑफ बींग अवर क्या आप गिवर थे आप दे सकते थे उन्हें उसमें आपको प्लेजर मिल रहा है खुशी मिल रही है तो यहां पर आप देखेंगे यू विल हियर द मर्मरिंग वॉइस ऑफ योर ईगो सो so, यहाँ पर अभी तक क्लियर हो गया ये पूरा पैसेज पिटी वर्सेस कम्पैशन के बारे में बता रहा है और किस प्रकार से अगर आप किसी का अफसोस करते हैं पिटी जताते हैं दैट इज समथिंग दैट इज बूस्टिंग योर ईगो आपके अहम को और ज्यादा ये और इंकरेज कर रही है जबकि कंपैशन जो है वो ईगो को हटा रही है तो अभी तक ये पूरा का पूरा, पूरा पॉइंट आई होप क्लियर हो गया है अ कंपैशनट पर्सन डासन वॉन्ट दै टू बी अ सिंगल बैगर ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ जबकि देखो जब आप पिटी दिखाते हैं ना तो आपको खुशी मिलती है अरे वाह मैंने गरीब व्यक्ति की मदद की लेकिन जब आप कंपैशननेट होते हैं तो आप चाहते ही नहीं हैं कि गरीबी हो क्योंकि आप कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं उनके दुख को और आप नहीं चाहते कि आप भी उस स्थिति में हों और आप लिटरली आप उनको बुर, आपको बुरा लग रहा है तभी यू डू नॉट वॉन्ट टू सी अ सिंगल बैगर ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ

If a compassionate society can be created, इट वॉन्ट बी एबल टू टॉलरेट बेगिंग अगर एक कम्पैशनट सोसाइटी जब हम दूसरों के दुख में दुखी हो दुखी नहीं हो रहे हैं बल्कि उनके दुख को महसूस कर पा रहे हैं तो हम बेगिंग को टॉलरेट ही नहीं करेंगे इट शुड नॉट एग्जिस्ट वट इज चर्निंग अराउंड इन अर्जुनाज माइंड इज पिटी हैर इट बिन कम्पैशन ही वुड हैव गॉन थ्रू रिवॉल्जन तो यहां पर हमें याद रखना है दैट इन दिस थ्रू दिस इंटायर पैसेज वी आर सी

एब्सल्यूटली करेक्ट आगे जाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर हमें क्रक्स मिल गया है कंपैशन हेट्स सफरिंग पिटी लवस इट बोथ वॉन्ट सफरिंग टू बी रिमूव नहीं ओनली कंपैशन वॉन्ट सफरिंग टू बी रिमूव अ मैन ऑफ कंपैशन ऑल्सो हैज ईगो नॉट एट ऑल कंपैशन आती ही उसी व्यक्ति में है हम लोगों ने क्या देखा था हु इज ईगो लेस इकोटेस्टिक्सनैलिटी कंटेन्स कम्पेशन नॉट एट ऑल यही पूरा पैसेज कह रहा है कि अगर आप इकोस्टिक हो तो आप में कंपेशन आएगा ही नहीं विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कम्पेशन एंड पिटी रिगार्डिंग दर अप्रोच टू वर्ड्स पॉवर्टी पॉवर्टी से रिलेटेड कौन सी सेंटेंस टू है पिटी वॉन्स पेन्यूरी टू बी एफेस्ड इफ़ेस्ड का अर्थ होता है हटाना देख रहे हैं आप वकेबुलरी कितनी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि आपको वकेब आना चाहिए तभी आप उनके आंसर चॉइस को भी समझ पाएंगे पिटी चाहती है कि वो पेन्यूरी जो है वो ख़त्म हो जाए नहीं कंपैशन चाहता है कि पेन्यूरी ख़त्म हो जाए uh, कंपैशन पेन्यूरी दट मीन्स गरीबी बैगिंग पुअर जो हैं कंपैशन सिक्स द पुअर टू बी देर नहीं कंपेशन चाहता है बैगरी हुई ना तो बैगरी नहीं होगी पॉवर्टी नहीं चाहता है पीटी चेरिशेज बोथ द पुअर एंड पॉवर्टी एब्सोल्यूटली करेक्ट पीटी को चाहिए पीटी सेलिब्रेट्स चेरिशेज बोथ द पुअर एंड द पॉवर्टी तो यहाँ पर दिस इज द करेक्ट आंसर

मोस्ट अप्रोप्रिएट अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास थोड़े बहुत आंसर थोड़े थोड़े सिमिलर थे लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट इज आंसर नंबर टू विच इज़ द करेक्ट आंसर चॉइस वॉट इज द टोन ऑफ द पैसेज टोन क्या है रिलीजियस है नहीं क्या सरमनाइजिंग क्या ये लेक्चर देना चाह रहे हैं एक तरह से लेक्चर नहीं दे रहे हैं ये एक तरह की क्वालिटी ट्रेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं रिविलिंग है एब्सोल्यूटली करेक्ट ये हमें और इन्फॉर्मेशन दे रही है इट इज़ रिवीलिंग इट इज़ डिवल डाइवर्जिंग हमें और इन्फॉर्मेशन बता रही है सो इट्स रिवीलिंग इज़ इट मॉरलाइजिंग नो ये ये नहीं देखो जब भी आपको ना यहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी है ये आने वाली वीडियोज़ में हम करेंगे भी सरमनाइजिंग और मॉरलाइजिंग का अर्थ हो जाता है कि ये डायडेक्टिक हो रहे हैं अगर ऑथर कहता ना वी शुड ऑल बिकम कंपैशनेट आप देख रहे हो लैंग्वेज का कितना ज़्यादा यो, योगदान रहता है अगर वो लिखता कि वी शुड ऑल बिकम कम्पेशन पैशनेट इंस्टेड ऑफ सेइंग कि पॉवर्टी शुड बी इराडिकेटेड यहाँ पर उन्होंने कहा था पॉवर्टी शुड बी इराडिकेटेड लेकिन ये नहीं कहा वी शुड ऑल बी कम्पैशनेट तो यहाँ पर अगर वो ऐसा बोलते तो वो डायडेक्टिक होते और फिर डायडेक्टिक होते दैट मीन्स कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्रीचिंग कर रहे हैं मॉरलाइजिंग कर रहे हैं तो फिर मॉरलाइजिंग और सरमनाइजिंग बिल्कुल सही होते सरमनाइजिंग मतलब लेक्चर देना मॉरलाइजिंग मतलब कि आप अगैन बता रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है आपको क्या करना चाहिए लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है किस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है दो इंपॉर्टेंट तो कॉन्सेप्ट देखते हैं कि थोड़ा फिलोसफी से रिलेटेड है या साइंस से रिलेटेड आ रहा है और हमें नहीं पता है तो हम उसे पढ़ने की भी कोशिश नहीं करते हैं सो so, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है नेवर एवर फियर एंड ट्राई टू एटलीस्ट प्राइवेट प्रैक्टिस इतना ज्यादा कि ऑलरेडी आपका माइंड ट्रेंड हो कि किस प्रकार की तरह मतलब यू नो हर एक तरह के जो एलिमेंट्स uh, हैं हर एक तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप इतना पढ़ के जाइए कि ताकि किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी जानवर से अगर आपका पैसेज आता है आप फिर भी उसे ठीक तरह से सॉल्व कर पाएंगे तो आज हम लोगों ने मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया और एक इन्फ्रेंस बेस्ड पैसेज को प्रैक्टिस किया अगर आपको कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर वीडियो में तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जोड़ सकते हैं और अगर कोई भी डाउट है तो वहाँ पर भी मुझे बता सकते हैं